जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, सस्ते 3BHK फ्लैट की बहुत डिमांड रहती है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ये सस्ता 3BHK का फ्लैट, जो कि ऑन पेपर 80 स्क्वायर यार्ड है, लेकिन स्लैब एरिया की अगर बात करें दोस्तों तो 90 स्क्वायर यार्ड से भी ज्यादा बड़ा इसका स्लैब एरिया है। विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है दोस्तों, वाइट फ्रंट की हमारी ये प्रॉपर्टी है, मेन मेट्रो लाइन से लगभग दोस्तों 700 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक शानदार सी विजिट आपके इस 3BHK फ्लैट की। ये दोस्तों आपके बिल्डिंग की सामने की रोड है, आप देख सकते हैं 25 फीट चौड़ी रोड आपको मिलती है, बहुत साफ सुथरी और अच्छी ये गली है दोस्तों। मेन मेट्रो लाइन से लगभग 700 मीटर के डिस्टेंस पर आपकी ये बिल्डिंग है। वाइट फ्रंट की आपको एंट्री मिलती है, वाइट फ्रंट की हमारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के एलिवेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती के साथ HPL शीट और टाइल वर्क के साथ दोस्तों आपको बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो मिलता है। रैंप ऑलरेडी यहाँ पर रेडी है, काफ़ी बड़ा गेट लगाया गया है, तो गाड़ियाँ बहुत ईजिली आप अंदर कर पाएंगे दोस्तों, और इजीली ही गाड़ियों को बाहर भी निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं आपकी पार्किंग की तरफ। ये है दोस्तों आपकी कंप्लीट पार्किंग, और आप देख सकते हैं कि पूरी पार्किंग के अंदर आपको जो काम मिलने वाला है ये फॉल सीलिंग का काम मिलने वाला है दोस्तों। कंप्लीट पार्किंग के अंदर आपको जो टाइल वर्क मिलने वाला है ये 4.5 फीट की हाइट तक आपको मिलेगा। और इसके अलावा पार्किंग को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए यहाँ पर आपको नीच भी दी गई है, जिसमें LED लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे कि आप यहां पर अपने डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं और पार्किंग को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों हमारी फ्लोरिंग की, तो कोटा स्टोन यहां पर लगाया गया है विद वाइट मार्बल चिप्स की फिलिंग के साथ, और इसमें कंप्लीट फिनिशिंग होने के बाद ये पार्किंग आपकी बहुत अच्छी लगने वाली है। यहां पर आपको लिफ्ट का सेक्शन मिलता है दोस्तों, इस तरफ आपको स्टेज सेक्शन मिलता है, और स्टेज सेक्शन के ठीक नीचे आपको जो मोटर सेक्शन है वो मिलता है। कंप्लीट जो फिटिंग है दोस्तों, जितने भी यहाँ पर पाइप्स यूज़ की गई हैं वो सारी हाई क्वालिटी की इस्तेमाल की गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टेयर केस है वो काफ़ी वाइड है, आपको यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर का काम है वो देखने को मिलेगा, और कंप्लीट जीने पर भी दोस्तों आपको यहाँ पर टाइल वर्क मिलने वाला है। यानी कि बिल्डिंग में दोस्तों मेंटेनेंस फ्री बनाने के लिए हमने पूरी कोशिश की है कि इस बिल्डिंग को हम लोग मेंटेनेंस फ्री बनाएं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारी कॉमन लॉबी की। तो ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको कॉमन लॉबी मिलती है, और कॉमन लॉबी में दोस्तों आप देखेंगे कि कंप्लीट टाइल वर्क आपको मिलता है, जिससे कि यहाँ भी आपको मेंटेन रखने में काफ़ी इजी रहे। ऊपर आने के बाद राइट हैंड साइड की तरफ दोस्तों हमारा 2BHK फ्लैट है, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा 3BHK फ्लैट है। तो आज हम बात करेंगे हमारे 3BHK फ्लैट के बारे में। ये है दोस्तों आपका 3BHK का फ्लैट, और यहाँ से आपके 3BHK फ्लैट की एंट्री है। और एंट्री करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत प्यारा, बड़ा और शानदार लिविंग स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। 10 फीट बाय और 16 फीट का दोस्तों आपकी लिविंग स्पेस का साइज है, और आप देख सकते हैं कि 7 सीटर सोफा यहाँ पर प्लेस किया गया है, और उसके बाद भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। पीछे की वॉल दोस्तों आपको डिजाइनर मिलने वाली है। ये जो वॉल है दोस्तों ये फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट में आपको पैनलिंग के साथ मिलेगी, इनकेस अगर आप सेमी फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर का वर्क मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं हमारे टीवी पैनल की। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा टीवी पैनल यहाँ पर आपको मिलता है, बड़े साइज का अगेन दोस्तों आप टीवी यहाँ पर लगा पाएंगे। कंप्लीट फिटिंग के साथ आपको ये मिलता है। 3 नीच आपको मिलती हैं विद फोकस लाइट्स मिलती हैं, और नीचे की तरफ दोस्तों 2 बड़ी ड्रॉर्स आपको मिलती हैं, और बीच में ओपन शेल्फ भी आपको मिल जाती है। इस फ्लैट के अंदर सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक बहुत प्यारा सा मंदिर भी हम लोग बनाकर दे रहे हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गेटअप के साथ आपका ये मंदिर है, और भगवान श्री गणेश जी भी यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। और आप देख सकते हैं दोस्तों मंदिर के नीचे भी आपको यहाँ पर शटर्स लगा कर दिए गए हैं, जिससे कि आप अपना कुछ भी सामान मंदिर का या फिर कोई और सामान दोस्तों रखना चाहें तो वो भी यहाँ पर ईजिली आप रख पाएंगे। सीलिंग की अगर बात करें तो कम्प्लीट जो सीलिंग का डिज़ाइन है ये भी बहुत खूबसूरत दोस्तों आपको मिलने वाला है, विद LED लाइट एंड विद कॉब लाइट। टाइल वर्क की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि टाइल वर्क गुरु महादेव रियल एस्टेट की हर फ्लैट की तरह है, इस फ्लैट के अंदर भी दोस्तों आपको हाई क्वालिटी की टाइल्स मिलने वाली है।
इस लिविंग स्पेस में दोस्तों हमने काफी कुछ काम करवाया है। यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको डेकोरेटिव जो वर्क है दोस्तों वो देखने को मिलेगा, और इसे हमने जो ग्लास है दोस्तों ग्लास डोर से बनवाया है, जिसे दोस्तों आपके लिए काफी इजी रहे कुछ भी सामान रखना और उसको क्लोज भी करना। तो बहुत प्यारी और अच्छी गेटअप के साथ दोस्तों आपका ये कंप्लीट लिविंग स्पेस है। लिविंग स्पेस के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी किचन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि किचन आपको यहाँ पर काफी वाइड एंट्री के साथ मिलती है। किचन के साइज की अगर बात करें दोस्तों तो ऑलमोस्ट 8 फीट बाय और 7 फीट की आपकी ये किचन है। किचन के ठीक स्टार्टिंग में आपको फ्रिज लगाने के लिए परफेक्ट जगह मिलती है दोस्तों, स्विच एंड सॉकेट मिलता है, और पीछे की तरफ दोस्तों आपको कंप्लीट टाइल वर्क मिल जाता है। किचन आपकी दोस्तों यू शेप की है, और यू शेप की किचन की काफी डिमांड रहती है, और इस किचन में आपको दोस्तों जो कलर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है ये भी काफी शानदार मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हमारे सिंक की, तो आपको यहाँ पर दोस्तों साउंड प्रूफ सिंक मिलने वाला है, वर्ना कंपनी की फिटिंग के साथ मिलने वाला है दोस्तों। गर्म पानी, ठंडे पानी और डायरेक्ट पानी के आपको टैप्स मिलने वाले हैं, और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भी बिल्कुल रेडी टू यूज है, और ऊपर वाला जो टैप है दोस्तों ये आपको आरओ या फिर वाटर प्यूरिफायर लगाने के लिए दिया गया है दोस्तों, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इस किचन के अंदर आपको यू टाइप का स्लैब मिलता है दोस्तों, डबल बोल्डिंग का वर्क आपको मिलता है, और आप देख सकते हैं गुरु महादेव रियल स्टेट की हर किचन की तरह दोस्तों, हमारे हर फ्लैट की किचन की तरह यहाँ भी आपको जो स्टोरेज है वो काफी अच्छी मिलने वाली है। ऊपर की तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि हमने जो ओवर हेड आपको दिया है, जो शटर्स आपको लगा कर दिए हैं, ये भी दोस्तों काफी वाइड है, काफी डीप है, यानी कि काफी अच्छी खासी स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है, और वो भी दोस्तों एलईडी लाइट के साथ, जिससे कि अंदर रखा हुआ सामान आप इजीली देख सकें। और इसके अलावा दोस्तों इसको मॉडर्न लुक देने के लिए हमने ग्लास वर्क यहाँ पर आपको दिया है, और ये जो काम आपको मिलता है दोस्तों ये सारा का सारा वर्क आपको एल्युमिनियम में मिलता है, जिससे कि किचन कभी भी खराब होने के चांसेस नहीं रहते। अगर हम बात करें नीचे की तरफ की दोस्तों, तो यहाँ भी आपको जितनी भी बास्केट्स मिलती हैं वो सारी हाई क्वालिटी की मिलती हैं, और इसके अंदर जितना भी स्टील वर्क है दोस्तों वो भी प्रीमियम क्वालिटी का आपको यहाँ पर मिलता है। कंप्लीट किचन के अंदर आपको टाइल वर्क मिलने वाला है, और यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो चिमनी मिलने वाली है दोस्तों वो भी काफी लेटेस्ट डिजाइन की है। ये जो चिमनी है दोस्तों ये सेंसर वाली चिमनी है, अभी ऑन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ऑन करके दिखाता। तो ये दोस्तों आपकी किचन है जो कि बहुत प्यारी है, स्पेशियस है, यू टाइप की है दोस्तों, आपको ये किचन जरूर पसंद आने वाली है। इवन दोस्तों अगर हम बात करें सीलिंग की, तो यहाँ पर भी आपको जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है वो देखने को मिलेगा विद एलईडी लाइट एंड विद कॉब लाइट। उम्मीद है कि ये किचन आपको जरूर पसंद आएगी। किचन के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे पहले बेडरूम के बारे में। तो ये दोस्तों हमारा पहला बेडरूम है, 10 फीट बाय और ऑलमोस्ट 12 फीट का दोस्तों आपके इस बेडरूम का साइज है, और आप देख सकते हैं 6x6 का बेड लगाने के बाद भी आपको इनफ स्पेस मिल जाता है दोस्तों तीनों तरफ रूम अराउंड करने के लिए, और बेड के फ्रंट में तो दोस्तों आपको काफी अच्छा खासा वाइट स्पेस मिल जाता है। बेड के दोनों तरफ आप देखेंगे कि आपको वुडन वर्क मिलने वाला है, इस तरफ आपको शाफ्ट मिलती है दोस्तों, दोनों ही तरफ आपको ड्रॉर्स मिलती है सामान रखने के लिए। कुल्टिंग वर्क दोस्तों फुली फर्निश्ड फ्लैट में है, इवन आपको यहाँ पर अगर आप फुली फर्निश्ड फ्लैट नहीं लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत प्यारा सा वॉलपेपर हम लगाकर देंगे, और आप देख सकते हैं उस तरफ भी आपको वार्डरोब मिलती है। वॉल सीलिंग का बहुत प्यारा सा डिजाइन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, और बेड के ठीक सामने आप देखेंगे कि काफी बड़ा टीवी पैनल दोस्तों आपको मिलता है, और वो भी कम्प्लीट फिटिंग्स के साथ। तो ये है दोस्तों आपका पहला बेडरूम, और पहले बेडरूम के बाद अब हम बात करने वाले हैं हमारे कॉमन वॉशरूम के बारे में। यहाँ दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम है, और कॉमन वॉशरूम आप देखेंगे कि स्पेशियस है, बड़ा है, आपको ये वॉशरूम जरूर पसंद आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो टाइल वर्क किया गया है, जो नीश की जो गेटअप दी गई है ये बहुत बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज का आपका ये वॉशरूम है, और इस वॉशरूम के अंदर वॉल हैंगिंग कमोड आपको मिलती है दोस्तों, पीछे दो आपको नीश मिलती है, इस तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी शाफ्ट मिल जाती है, डिजाइनर वॉशबेसिन मिलता है दोस्तों, और नीचे आपको वैनिटी भी इसमें यहाँ पर मिलती है। टाइल वर्क की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो भी टाइल वर्क है दोस्तों ये यूनिक क्वालिटी का आपको मिलेगा, और डिफरेंट लुक एंड शेड का दोस्तों आपको मिलने वाला है। और इस वॉशरूम के अंदर जो बेडिंग एरिया आपको मिलेगा दोस्तों ये भी वर्ना कंपनी की फिटिंग के साथ काफी शानदार मिल जाता है, क्योंकि ये एरिया काफी अच्छा है, आपको बेडिंग करना काफी ईजी रहने वाला है। तो ये है दोस्तों आपका कॉमन वॉशरूम, और कॉमन वॉशरूम के बाद अब हम चलेंगे हमारे दोनों ही बेडरूम की तरफ, और ये दोनों बेडरूम दोस्तों हमारे फ्रंट की तरफ है। ये फ्लैट दोस्तों फुली वेंटिलेटेड होगा, क्योंकि इस फ्लैट के अंदर वाइड फ्रंट आपको मिलता है, दोनों बेडरूम्स आपको फ्रंट में मिलते हैं, बड़ी बड़ी शाफ्ट आपको मिलती हैं दोस्तों, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन रेगुलर आपके इस फ्लैट के अंदर रहने वाला है। तो ये दोस्तों आपका सेकंड बेडरूम है, और सेकंड बेडरूम भी काफी स्पेशियस आपको मिलने वाला है, और आप देख सकते हैं कि 6x6 का बेड लगाने के बाद
यहाँ भी आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और इस रूम के अंदर भी दोस्तों आप देखेंगे पीछे कुल्टिंग वर्क है, लेकिन ये कुल्टिंग वर्क और ये बेड दोस्तों आपको फुली फर्निश फ्लैट में मिलेगा। इनके साथ सेमी फर्निश फ्लैट लेते हैं तो पीछे आपको यहाँ पर वॉलपेपर का शानदार सा डिजाइन मिलने वाला है। अगर बात करें हमारी फॉल सीलिंग की तो अगेन फॉल सीलिंग का डिजाइन काफी अच्छा आपको यहाँ पर मिलता है विद एलईडी लाइट एंड विद कॉब लाइट। और बेड के ठीक सामने दोस्तों यहाँ भी आपको काफी बड़ा टीवी पैनल मिलेगा कंप्लीट फिटिंग्स के साथ। ये रूम दोस्तों फुली वेंटिलेटेड है क्योंकि इस रूम के साथ यहाँ पर काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है। आप देख सकते हैं विंडो एसी लगाने के लिए प्रोविजन आपको यहाँ पर मिलता है। और इस तरफ इस रूम के अंदर आपको काफी बड़ी वार्डरोब भी मिल जाती है। वार्डरोब दोस्तों काफी डीप है, काफी वाइड है, अंदर आपको एक ड्रॉअर मिलती है, ओपन शेल्फ नीचे की तरफ भी मिलती है दोस्तों और ऊपर की तरफ भी आपको ओपन शेल्फ मिलती है। अंदर भी माइका है दोस्तों और बाहर की तरफ भी माइका लगाई गई है और काफी अच्छे डिजाइनर पैटर्न के साथ आपको आपकी अलमीरा मिलती है। ये बेडरूम दोस्तों हमारा बालकनी की तरफ है, यानी कि बालकनी के साथ भी हमारा इस बेडरूम का एक्सेस है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बालकनी की तरफ और वहां से देखेंगे बाहर की लोकेशन। तो ये दोस्तों आपकी बालकनी है और बालकनी का साइज काफी शानदार है, लगभग दोस्तों 14 फीट बाय और ऑलमोस्ट 3.5 फीट का आपको ये साइज मिलता है। यहाँ आप देखेंगे स्टील की रेलिंग आपको मिलती है, टफन ग्लास का वर्क आपको मिलता है दोस्तों। और आपकी इस बालकनी के अंदर दोस्तों जो वॉशिंग एरिया आपको मिलता है ये भी काफी वाइड यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4.5 फीट बाय और 4 फीट का दोस्तों ये एरिया रखा गया है जिसमें आप अपने सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को इजीली रख सकते हैं। और यहाँ आपको टैब मिलता है, स्विच इन सॉकेट मिलता है दोस्तों और पानी निकलने की जगह भी आपको यहाँ पर मिलती है। और आपकी बालकनी के अंदर जो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं ये वुडन शेड की टाइल्स हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी गेटअप और फील आपको देती हैं। अगर हम बात करें हमारी एलिवेशन की जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो टाइल वर्क है ये मैट फिनिश में है और बहुत अच्छी गेटअप के साथ यहाँ पर लगाया गया है। बाहर की लोकेशन की अगर बात करें तो काफी साफ सुथरी और अच्छी दोस्तों ये गली है। आप देख सकते हैं आरसीसी सीमेंट की जो रोड है दोस्तों वो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है। गैस की पाइपलाइंस यहाँ पर है दोस्तों, आप आसपास के मकानों में देखेंगे कि येलो कलर की जो पाइप्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ये IGL गैस की पाइपलाइंस है दोस्तों, यानी कि गैस की जो परेशानी है वो भी आपको कभी भी यहाँ नहीं आएगी। शिवरेज है, पानी रेगुलर यहाँ पर आता है। और धूप की अगर बात करें दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे फेस पर धूप आ रही है और आपके कंप्लीट फ्लैट के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको धूप आपके घर के अंदर तक मिलने वाली है। दिल्ली के अंदर दोस्तों धूप नसीब नहीं होती, तो इस फ्लैट के अंदर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन धूप मिलने वाली है। तो ये दोस्तों आपकी बालकनी थी और ये आपका सेकेंड बेडरूम था। अब हम बात करने वाले हैं आपके थर्ड बेडरूम के बारे में। ये थर्ड बेडरूम भी दोस्तों फ्रंट की तरफ है और इसके अंदर भी आपको वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी विंडो मिलती है। और ये आपका मास्टर बेडरूम भी है क्योंकि इसके साथ आपका वॉशरूम भी अटैच है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 6x6 का बेड लगने के बाद आपको इनफ स्पेस मिल जाता है दोस्तों। एक तरफ हमने आपको ड्रेसिंग टेबल दिया है, ड्रेसिंग टेबल के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर सामान रखने के लिए आपको स्पेस मिलता है। नीचे की तरफ भी दोस्तों आपको स्टोरेज मिलती है। इस तरफ आपको काफी बड़ी वार्डरोब मिल जाती है, आप देख सकते हैं लगभग 6 फीट बाय और ऑलमोस्ट 7 फीट की वार्डरोब दोस्तों आपको मिलती है, स्लाइडिंग के साथ मिलती है दोस्तों। यहाँ भी आपको काफी अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है। और अगेन जो सीलिंग का डिजाइन है ये भी काफी यूनिक और डिफरेंट आपको मिलता है। और बेड के ठीक सामने दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट वॉल ही डिजाइनर मिलने वाली है। इस वॉल को दोस्तों हमने कम्प्लीटली डिजाइनर लुक दी है। आपको टीवी लगाने के लिए भी दोस्तों परफेक्ट स्पेस मिलता है और उसके साथ साथ काफी अच्छी गेटअप और फील भी यहाँ पर मिलती है। और आप देख सकते हैं दो ड्रॉर्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, ओपन शेल्फ मिलती है और इस तरह भी दोस्तों आपको ड्रॉर और ओपन शेल्फ मिल जाती है। ये दोस्तों हमने स्टडी के लिए काउंटर दिया है टीवी के ठीक साथ में, यहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं दोस्तों तो वो स्टडी टेबल भी यहाँ पर बना सकते हैं। ऊपर आपको नीश मिलती है जिससे अपने इस वॉल को और इस रूम को आप काफी डिजाइनर लुक भी दे सकते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, विंडो इसे लगाने के लिए प्रोविजन आपको मिलता है दोस्तों, सेफ्टी ग्रिल्स आपको मिलती है। तो कम्प्लीटली वेंटिलेशन और धूप दोस्तों आपके इस रूम में भी आपको मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अटैच वॉशरूम के बारे में। ये दोस्तों आपका अटैच वॉशरूम है और इसका साइज भी काफी बड़ा और शानदार आपको मिलता है। एक तरफ आपको कमोड मिलेगी दोस्तों, वो भी वॉल हैंगिंग। ऊपर की तरफ आपको नीच मिलती है दोस्तों, साथ में आपको यहाँ पर गीजर लगाने के लिए परफेक्टली जगह मिल जाती है। इस वॉशरूम के अंदर भी आप देखेंगे कि कंप्लीट रूफ हाइट तक आपको टाइल वर्क मिलता है दोस्तों, वो भी डिजाइनर पैटर्न के साथ। यहाँ पर आपको बेडिंग एरिया मिलता है और यहाँ भी दोस्तों वर्ना की हैवी फिटिंग्स आपको मिलती है। और इस तरफ अगेन आप देखेंगे दोस्तों की डिजाइनर लुक का वॉश बेसिन आपको मिल जाता है।
कंप्लीट फिटिंग्स जो आपको मिलने वाली है दोस्तों वो हाई क्वालिटी की हमारे हर फ्लैट के अंदर मिलती है। ऊपर की तरफ आपको विंडो मिलती है जहां पर एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके इस वॉशरूम के अंदर भी आपको मिलने वाला है। तो ये है दोस्तों आपका मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बेडरूम जरूर पसंद आया होगा। एक छोटी सी चीज दोस्तों मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ, वो है आपका ये कॉर्नर। इस बेडरूम के अंदर दोस्तों आपको ये कॉर्नर का स्पेस मिलता है। अगर आप चाहते हैं अपनी वार्डरोब को बढ़ाना तो वो भी आप दोस्तों बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप कोई और जरूरी सामान दोस्तों यहाँ रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इजिली रख पाएंगे। तो ये है दोस्तों कंप्लीट फ्लैट और ये थे आपके कंप्लीट बेडरूम्स। तीनों ही बेडरूम आपने देखे, आपने वॉशरूम देखे दोस्तों, और इसके अलावा आपने अपनी किचन भी देखी। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये फ्लैट आपको जरूर पसंद आएगा। इसकी कीमत दोस्तों बहुत वाजिब रखी गई है क्योंकि गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोस्तों। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK अलग अलग रेंज में दोस्तों और अलग अलग वैरायटी में अलग अलग लोकेशन पर हमारे पास अवेलेबल है। तो जब आप कॉल करेंगे दोस्तों तो न केवल आपको एक फ्लैट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जबकि बहुत सारे फ्लैट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और एक और बात दोस्तों कि गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का आपका ये चैनल और आपके फ्लैट दोस्तों आपके अपने हैं, हम भी दोस्तों आपके अपने हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और इसके अलावा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर फ्लैट की अपडेट मिलती रहे, हर फ्लैट की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों, जिससे कि कोई भी फ्लैट आपका मिस ना हो। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।